दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार कौन करता है, तो आपका जवाब 100% यही होगा कि आपकी माँ आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन दोस्तों अगर क्या हो जब माँ ही खूनी और कातिल बन जाए, अपने बच्चों को जिंदा आरी से काट दे, तो फिर क्या हो? इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक माँ ने अपनी जवान बेटी को आरी से काटकर उसके टुकड़े किए और फिर उसको 24 घंटे तक बाथरूम में डालकर रखा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक माँ इतनी निर्दयी बनी और माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तराखंड के देहरादून की। उत्तराखंड देहरादून में एक प्राप्ति नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 20 साल है और वह एयर होस्टेज की तैयारी कर रही है। सेंटर पर पढ़ने के लिए जाती है बहुत सारे बच्चों के साथ और दोस्तों अब क्या होता है, वह सेंटर पर जाना बंद कर देती है तो उसके जो साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको चिंता होती है उसकी। वह उसके पास फ़ोन करते हैं लेकिन प्राप्ति फ़ोन नहीं उठाती है। अब जो सहपाठी होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वह सीधा पुलिस थाने में चले जाते हैं। पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी सहेली प्राप्ति घर से गायब है, ना ही उसका फ़ोन मिल रहा है और ना ही उसकी माँ उसका पता बता रही है और हमें लगता है उसकी माँ ने कुछ उसके साथ किया है, क्योंकि प्राप्ति हमसे बताया करती थी कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है, दुखी रखती है। दोस्तों पुलिस मामला दर्ज करती है और फिर प्राप्ति की माँ को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि प्राप्ति कहाँ है। तो प्राप्ति की माँ बता देती है कि वह तो कोर्स करने के लिए दूर गई है, दिल्ली गई है और मैं उसको बिठा कर आई थी बस स्टैंड से। तो पुलिस पूछती है कि कौन से बस स्टैंड से तुम उसे बिठा कर आई थी, तो बता देती है बस स्टैंड का नाम। उसके बाद उसकी माँ को, प्राप्ति की माँ को पुलिस जाने देती है और फिर उस बस स्टैंड पर जाकर निरीक्षण करती है। वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो जिस टाइम और डेट जो प्राप्ति की माँ ने बताया था उसी टाइम और डेट के हिसाब से CCTV कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो खंगाली जाती है, लेकिन वहाँ पर ना प्राप्ति आई थी ना ही प्राप्ति की माँ आई थी। पुलिस को प्राप्ति की माँ के ऊपर पूरा शक हो जाता है और दोस्तों जाकर के प्राप्ति की माँ को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी बेटी प्राप्ति कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है। तो दोस्तों जो प्राप्ति की माँ होती है वह जल्दी ही टूट जाती है और फिर पुलिस के सामने सारी घटना बयां करने लगती है। वह बताती है कि प्राप्ति मेरी सौतेली बेटी है, प्राप्ति के पिता से मेरी शादी हुई थी और फिर कुछ दिन बाद प्राप्ति के पिता की मृत्यु हो जाती है और घर के अंदर मैं और प्राप्ति रह जाते हैं। प्राप्ति के नाम बहुत सारी जमीन थी, प्रॉपर्टी, और अब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे बनाना चाहती थी और मैं प्राप्ति से कहती थी कि इस घर को बेच देते हैं और पैसे मुझे दे देना, मुझे कुछ काम है। लेकिन प्राप्ति घर को बेचने के लिए मना कर देती है और बिल्कुल उससे कह देती है कि मैं अपने घर को नहीं बेचूंगी, यह मेरे मम्मी पापा की निशानी है, तुम इस घर को नहीं बेच सकती हो। इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी के बीच में झगड़ा हुआ करता है और प्राप्ति उससे रूठ जाया करती है और वह प्राप्ति को मारा पीटा भी करती है। दोस्तों इसी तरह से एक दिन क्या होता है, वह जो प्राप्ति की माँ होती है प्राप्ति से कहती है कि इस घर को बेच देते हैं, इसके बहुत सारे पैसे आएंगे, उनको मैं अपने काम में ले लूँगी, लेकिन प्राप्ति मना कर देती है और फिर बिना खाना खाए सो जाती है। दोस्तों अब जो प्राप्ति की माँ होती है, जो सौतेली माँ होती है, वह परेशान हो जाती है रोज़ रोज़ के झगड़े से और वह सोच लेती है कि अब इसका कलेश काट ही देना चाहिए। प्राप्ति अपने कमरे में सो रही थी गहरी नींद में, तभी प्राप्ति की माँ ईंट लेकर आती है, सोती हुई प्राप्ति के सर में ईंट से वार कर देती है और थोड़ी देर में प्राप्ति तड़प तड़प कर मर जाती है। जैसे ही प्राप्ति मर जाती है अब उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की चिंता होती है कि इस डेड बॉडी को किस तरह से ठिकाना लगाया जाए। दोस्तों अब क्या होता है, प्राप्ति की जो माँ होती है बाजार से आरी खरीद कर लेकर आती है और प्राप्ति की डेड बॉडी को बाथरूम में घसीट कर ले जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। दोस्तों प्राप्ति की माँ यह सोचती थी कि इसके टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके पॉलीथीन में ले जाकर बाहर फेंक दूंगी, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्राप्ति का कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। फिर पुलिस प्राप्ति को ढूंढने के लिए उसके घर में जाती है, बाथरूम में जाकर देखती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। उन टुकड़ों को लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और दोस्तों उसके बाद प्राप्ति की माँ को जेल में भेज दिया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, केस आगे बढ़ाया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? यहाँ पर तो उस माँ ने स्पष्ट यह बात कर दी कि सौतेली माँ तो सौतेली ही माँ होती है। दोस्तों यहाँ पर उस बेटी ने चाहा था कि यह मेरे माँ बाप का घर है और यह बेच जाएगा, बेच दिया जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगी, किस तरह से जीवन यापन होगा। तो दोस्तों प्राप्ति के दोस्तों की वजह से प्राप्ति की माँ को यहाँ पर सज़ा मिल जाती है। तभी कहते हैं जुर्म कितना भी सातिर पने से करो आप, जुर्म छुपता नहीं है, कभी ना कभी उसका पता जरूर चलता है। प्राप्ति की माँ ने यही सोचा था कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, मैं इसको मार करके आराम से निपटा सकती हूँ, लेकिन ऊपर वाला देखता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यहाँ से कुछ जानने और सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।